नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको किडनी स्टोन में क्या डाइट प्लान होना चाहिए उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी अगर बार बार हो रही हो तो उसमें आपको खान पान का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि हमें इसमें क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या नहीं परहेज़ करना चाहिए, तो मैं उनके हिसाब से उन्हें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि हर बीमारी में हर प्रकार के डाइट चार्ट होते हैं, किस बीमारी में क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। जैसे कि सपोज अगर हम मानते हैं कि अगर आपको चीनी की बीमारी है या आपको ब्लड शुगर है, तो अगर आप उसमें चीनी की मात्रा लेते हैं या चीनी से बनी कोई वस्तु खाते हैं तो आपकी चीनी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है और आपकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी तरह से हर बीमारी में एक डाइट चार्ट होता है कि आपको इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ के खाने से आपको बीमारी बढ़ेगी या किस चीज़ के खाने से बीमारी घटेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किडनी स्टोन में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा कौन से खाद्य पदार्थ है जिससे खाने से किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा जल्दी बनने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेज नहीं खाना होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल छोड़ देना होगा, क्योंकि उसमें एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको चिकन है, मटन है, मांस मछली चिकन या अंडा हो गए, इस सब में एनिमल प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और प्रोटीन जो है सो एनिमल प्रोटीन जो है सो किडनी स्टोन को बहुत जल्दी बढ़ाता है, किडनी स्टोन बनाने में सहायक होता है। अगर हम बात करें तो आपको साल्ट बहुत कम लेना है, नमक बहुत कम लेना है, बहुत ही कम मात्रा में नमक का आपका सेवन करना होता है, क्योंकि नमक का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो किडनी स्टोन बनाने में सहायक होता है, उसे आप बहुत कम मात्रा में लें। अगर सब्जियों की हम बात करें कि सब्जियों में किडनी स्टोन वालों को क्या सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, तो सबसे पहली है कि आप पालक ना खाएं, क्योंकि पालक में ऑक्सलेट होता है और ये किडनी स्टोन को बनाने में सहायक होता है और इसे डेवलप कर देता है। साथ ही साथ अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी किडनी स्टोन बनाने में सहायक होता है, ये आपके किडनी स्टोन को बढ़ा देगा। इसके साथ साथ आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद भी आपको किडनी स्टोन में नहीं खाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे तो चुकंदर यानी जिसे बीट्स कहा जाता है, ये भी आपको किडनी स्टोन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और अगर उसमें हम बात करेंगे कि आपके दाल में क्या क्या दाल है जो नहीं खानी चाहिए, तो सबसे पहले आप उड़द की दाल ना खाएं, उड़द की दाल खाने से किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, किडनी स्टोन बनने में सहायक होती है। चने की दाल भी किडनी स्टोन बनाने में सहायक होती है, किडनी स्टोन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको बढ़ाती है। साथ ही साथ अगर आप कच्चे चावल का यूज़ करते हैं तो कच्चा चावल भी किडनी स्टोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये सहायक होती है, तो आप कच्चा चावल का सेवन ना करें। वैसे आप जो पका चावल होता है उसका भी आप मात्रा बहुत कम ले, 9 के बराबर ले। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें कि ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आपको नहीं खाना है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम काजू और मूंगफली ये नहीं खाना है, इसके खाने से किडनी स्टोन बहुत जल्दी बनने लगते हैं और ये ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी किडनी स्टोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, अल्कोहल यूरिक एसिड को बढ़ाती है और यूरिक एसिड भी किडनी स्टोन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, इसीलिए आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ही बिल्कुल बंद कर देना होगा। और साथ ही साथ आपको
किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, जैसे कोका कोला, थम्सअप्स, स्प्राइट, माजा इत्यादि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की श्रेणी में आते हैं उसे आपको इमीडिएटली बंद कर देना होगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उसमें जो यूज किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं और वो आपके यूरिन को गाढ़ा बना देते हैं और आपको किडनी स्टोन में वो हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। अगर हम बात करें फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड आपको खाना नहीं है, किसी भी तरह का फास्ट फूड आपको नहीं खाना है, जैसे चाउमीन, छोला भटूरे, समोसे इत्यादि जो भी फास्ट फूड है वो आपको नहीं खाना है। इससे आपकी किडनी स्टोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगी। फास्ट फूड किडनी स्टोन का दुश्मन होता है, इसलिए आप फास्ट फूड ना लें। उसके साथ साथ भी जो भी पैक्ड आइटम होते हैं, जो भी पैकेट में आते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ पैकेट होते हैं, पैक्ड के रूप में बाज़ार में मिलते हैं, जो भी पैकेट आइटम है उससे आपको परहेज करना है। पैकेट आइटम आपको नहीं लेना है। पैक्ड आइटम से किडनी स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा होती है, गुर्दे की पथरी बनने की चांसेस ज़्यादा होती है। साथ ही साथ आपको चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कैल्शियम किडनी स्टोन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। अगर आप कैल्शियम का सेवन करते हैं, कैल्शियम का टैबलेट लेते हैं, या आप एनर्जी के रूप में विटामिन D3 भी ले लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह से, अगर आपको किडनी स्टोन है तो विटामिन D3 और कैल्शियम का टैबलेट बिल्कुल ही बिल्कुल वर्जित कर देना होगा, उसे थोड़ा भी मात्रा में नहीं लेना होगा, उसे आप 100% छोड़ दें। अब हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन अगर आपके पास है तो आप क्या खाइएगा, ये कौन से खाद्य पदार्थ है जिसके सेवन करने से आपको किडनी स्टोन में फ़ायदा पहुंचेगा, किडनी स्टोन को जल्दी से भुला करके बाहर यूरिन के थ्रू निकाल देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले, वाटर जितनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपकी किडनी स्टोन को घुला करके बाहर निकालने में बहुत ही आसानी होती है। हमारे मेटाबॉलिज्म को अगर सही रखता है तो पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप पानी का सेवन बहुत ही ज़्यादा करें। जिन्हें कम पानी पीने की आदत है, अगर उनको किडनी स्टोन की समस्या है, तो उन्हें इस आदत को बदलना होगा और पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सब्जियों में क्या खानी है, तो वो आप मटर खा सकते हैं। मटर किडनी स्टोन के लिए बेनिफिट होता है, ये किडनी स्टोन को गलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आप ककड़ी खा सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, या कद्दू या पंपकिन जो कदीमा होता है, बड़ा सा कद्दू होता है, वो आप ले सकते हैं, या आप आलू का सेवन और प्याज का सेवन आप अच्छे से कर सकते हैं। ये सब सब्जियों का सेवन आप अच्छे से कर सकते हैं, इससे आपको किडनी स्टोन गलने में और घुलने में सहायक होती है। साथ ही साथ अगर हम फलों की बात करें तो फल में क्या क्या लेना है, तो सबसे पहले आपको वाटरमेलन यानी कि तरबूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इसमें किडनी स्टोन घुलाने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। इसमें साथ ही साथ आप खरबूजा भी खा सकते हैं और उसके साथ साथ आप केला का भी सेवन करें। केला किडनी स्टोन के लिए रामबाण दवा है, अगर केला खाकर भी आप किडनी स्टोन को गला सकते हैं। साथ ही साथ आप अंगूर ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप अनानास या पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, या आप नारियल पानी अच्छे से पी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नींबू पानी का भी यूज करते हैं तो भी किडनी स्टोन को गलाने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप पर डे आप नींबू पानी और नारियल पानी सुबह शाम ले, एक एक गिलास या 3 टाइम भी ले सकते हैं या 4 टाइम भी ले सकते हैं। यानी कि नींबू पानी और नारियल पानी अगर आप लेते हैं तो ये एनर्जी ड्रिंक में भी काम करती है और ये आपको किडनी स्टोन को गलाने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा
समय नहीं लेती है और कम समय में किडनी स्टोन को घुला करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ अगर आप चाय पीने के एडिक्टेड हैं तो आप हर्बल टी ले, हर्बल टी वो भी कम मात्रा में ले, ये एक तरह की थोड़ी सी मात्रा में आप ले सकते हैं हर्बल टी को। साथ ही साथ आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी चाहिए इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके किडनी स्टोन और होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि किडनी स्टोन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा दी गई है खाने के लिए, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में एक वीडियो बना के डाली हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि किडनी स्टोन की जिन्हें भी परेशानी है वो अपने डाइट प्लान को मेंटेन करेंगे, अपने खान पान में परहेज करेंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि मैं वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।